वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है बाइक की बैटरी चार्जिंग के ऊपर। तो गाइस बहुत सी ऐसी बाइक जो है जिसकी बैटरी जो है चार्ज नहीं हो पाती है प्रॉपरली बाइक के ऊपर। तो गाइस आप जो है आपकी बाइक की बैटरी कैसे जो है चेक कर सकते हैं कि आपकी बाइक की बैटरी जो है आपकी बाइक चार्ज कर रही है और नहीं कर रही है, और जो है उसे हमें कैसे चेक करना है कि जो है आपकी बाइक से जो करंट आ रहा है वो बैटरी तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, या आपकी जो बाइक की बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है, ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उससे पहले जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस यहाँ पे हमारी जो है स्प्लेंडर की एनएक्जी आप देख रहे हैं ये बाइक खड़ी हुई है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा और ट्रायल बताऊंगा कि गाइस आप जो है आपके घर पे या फिर आप इस तरीके से जो है आपकी बाइक की बैटरी चेक कर सकते हैं और जो है आपकी बाइक की बैटरी चार्ज हो रही है आपके बाइक पे या नहीं हो रही है वो प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आपको जो है बैटरी चेकअप करना है। तो गाइस जो हीरो होंडा के मॉडल्स रहते हैं उनमें जो है बैटरी आपको राइट साइड के पैनल में मिलेगा, और जो है कुछ बजाज और टीवीएस की बाइक्स आती है उनमें जो है लेफ्ट साइड में मिलेगा। बट अभी जो BS4 BS6 बाइक आती है उन बाइक की बैटरी जो है बजाज की वो सीट के नीचे होती है या फिर हिडन होती है। तो आपको सबसे पहले आपके बाइक की जो है बैटरी किस लोकेशन पे है वो सर्च करना है और जो ये पैनल है वो खोल लेना है। तो मींस मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ और जो है आपको दिखा देता हूँ कि हमारी बाइक की बैटरी कहाँ पे माउंट है। तो गाइज अभी जो है मैं हमारे बाइक का जो है बैटरी पैनल जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारी बैटरी आपको दिख जाएगी। तो गाइज यहाँ पर जो है हमारी बैटरी आपको देख सकते हैं कि हमारी बैटरी यहाँ पर माउंट है। तो गाइज सिंपल मेथड जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो है बाइक की बैटरी चार्ज कैसे होती है और जो है चार्ज जो है आपका बाइक का जो चार्जर जो है वर्क रिंग कर रहा है या नहीं, या फिर आपकी बाइक जो है आपके बैटरी को चार्ज कर रही है कि नहीं। यहाँ पे जो है हमारा पॉजिटिव पोल वायर रहता है रेड वाला, तो हम इसकी नॉब को जो है गाइज ओपन कर लेंगे। सबसे पहले जो है ओपन कर लेंगे, पर ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूँ आपको जो है बाइक आपकी जो है स्टार्ट करनी है सबसे पहले। तो ओपन कैसे करना है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर वे स्क्रू ड्राइवर वाला पॉइंट है, तो हमें जो है एक फोर वे स्क्रू ड्राइवर लगेगा, ये आपको आपके बाइक में ही मिल जाएगा। बाइक में आप टूल बॉक्स में आपको जो है ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए गाइस यहाँ पे जो है हमारी बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं ये जो पोल है वो निकाल लूँगा, एक बार मैं बाइक जो है स्टार्ट कर देता हूँ। और ये जो है स्क्रू इसको निकाल लेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ये रेड पोल है वो हमें किस भी बॉडी पार्ट पे, मीन्स अगर जहाँ पे आपकी बाइक की अर्थिंग माउंटेड है तो यहाँ पे हम जो है इसे टेस्टिंग करेंगे। ये हम एक अर्थिंग कंसीडर करेंगे, ये पोल जो है हमारा वो अर्थिंग कंसीडर करेंगे। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे इसको स्पार्क कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए इस रेड पोल में से जो है आपको एक सप्लाई मिलेगा जो मैग्नेट सप्लाई हम जो इसे कहते हैं गाइस। तो अभी मैं बैटरी जो है आप देख सकते हैं, तो अभी मैं जो है बाइक बंद कर देता हूँ। तो अभी मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया कि आपने अभी देखा कि गाइस यहाँ पे ये वायर जो है हमने अगर इस पर स्पार्क किया तो हमने इसे बॉडी आर्क कंसिडर किया था, तो इसमें सप्लाई प्रॉपरली आ रहा है। अगर स्पार्किंग हो रहा है तो हम ये समझ लेंगे कि इसमें जो है प्रॉपर सप्लाई आ रहा है। तो गाइज इसका मेथड कैसा रहता है, बैटरी का जो है पावर स्टोरेज जो है वो बैटरी जो है स्टोर करके रखती है। इस वायर में करंट कैसे आता है गाइज, बाइक का इंजन जो है पावर जनरेट करता है, पावर जनरेट के कारण वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है रेक्टिफायर को देता है, रेक्टिफायर जो है वो सप्लाई कन्वर्ट करके इस पॉजिटिव पोल में भेजता है, और ये पॉजिटिव पोल जो है आपके बाइक के बैटरी में जो है फ्लो करंट भेजता है। मींस गाइस इसमें से जो है फ्लो करंट यहाँ में जो जाता है बैटरी के स्टोरेज में, तो जो है आपकी बैटरी चार्ज क्यों नहीं होती है गाइस, उसका मैं आपको मीनिंग बता दूँ। अगर इसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताया अगर वो यहाँ पे अगर स्पार्किंग नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए आपके बाइक के वायरिंग में या फिर रेक्टिफायर कंस्ट्रक्शन में कुछ तो भी इफेक्ट हुआ होगा या फिर कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ होगा जिससे जो है इसमें स्पार्क नहीं आ रहा है। पर
अगर इसमें स्पार्क आ रहा है और बैटरी जो है आपकी स्टोर नहीं कर पा रही है, तो आपको जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो है आपको फेस करने पड़ेगी, जैसे कि आपकी बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम देना, सेल्फ स्टार्ट होना, हॉर्न नहीं बजना, और जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है वो वर्किंग नहीं करना। तो गाइज यहाँ से जो है अगर आपके बैटरी में स्टोरेज आता है या फिर आपकी बैटरी वो स्टोर कर रही है नहीं कर रही है, वो आपके बैटरी पे डिपेंड होता है। अगर इसमें फ्लो नहीं आ रहा है इस पॉजिटिव वायर में, तो आपको वायरिंग चेकअप करना है। अगर बैटरी अगर उसका स्टोरेज नहीं कर रही है, तो आपको जो है बैटरी रिप्लेस करवाना है। तो गाइज आपकी जो बाइक अगर एक डेढ़ साल या दो साल से ऊपर पुरानी हो चुकी है और उसकी बैटरी जो है कंपनी से फिटिंग लगवा के आई है और फिर स्टॉक बैटरी है, तो आपको उसको सिंपली चार्ज नहीं करवाना, कोई भी उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है गाइज, जो है बैटरी जो है चेंज करवा लेना है। अगर आपकी बाइक जो है वारंटी के अंडर होगी, तो आपको वारंटी क्लेम में जो है आपको मिल जाएगा गाइज बैटरी चेंज करके। पर आपको बता दूं कि बैटरी की लाइफ जो है 6 मंथ्स कंसिडर की जाती है वारंटी में, अगर आप बाइक लेते हैं तो अगर आपकी बाइक को अगर 6 मंथ हुए होंगे उसमें बैटरी डैमेज होती है, तो आपको जो है बैटरी जो है आपको रिप्लेस करके मिलाती है शोरूम की तरफ से। तो गाइज यही मेरा एक बेसिक ट्रिक मैंने आपको बताया कि आपकी जो है बाइक बैटरी चार्जिंग कैसे करती है, और जो है चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही, आप कैसे आपको के जो है चेक करें। तो गाइज ये सिंपल मेथड था कि आप आपकी बाइक की बैटरी चेक कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गाइज आई होप गाइज आपको जो है समझ में आ गया होगा और जो है आपको ट्रिक पता चल गई होगी गाइज कि आपकी बाइक जो है आपकी बाइक की बैटरी जो है प्रॉपर चार्ज करती है नहीं करती, और कैसे जो है वो चार्जिंग हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, टिल वेट माई नेक्स्ट वीडियो।